नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर के बगरा में स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में आज रविवार सुबह शामली जनपद के कराना के रहने वाले एक मुस्लिम दंपत्ति ने यज्ञ में आहुतियां देकर इस्लाम मजहब को छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की है। स्वामी यशवीर महाराज के सानिध्य में आचार्य ब्रह्मचारी मृगेंद्र ने शुद्धि यज्ञ संपन्न कराते हुए लव जिहाद का शिकार हुई पूनम और उसके पति शाहनवाज को हिंदू धर्म में घर वापसी कराई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की उत्तराखंड की रहने वाली पूनम नाम की लड़की जो कुछ वर्ष पहले हिंदू गुज्जर थी, 3 साल पहले केराना के एक मुस्लिम युवक शाहनवाज के संपर्क में आई और फिर फेसबुक के माध्यम से दोनों में दोस्ती हुई। शाहनवाज ने पूनम को प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचा ली और फिर लव जिहाद में फंसाकर इस्लाम मजहब को स्वीकार कराकर निकाह कर लिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह कैराना में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद पूनम को इस्लाम मजहब अच्छा नहीं लगा क्योंकि शाहनवाज के घर पूनम को जबरदस्ती मांस मछली खाने पर मजबूर किया जाने लगा। इस्लाम धर्म के कायदे कानून और पाबंदियों से तंग आकर पूनम ने अपने मुसलमान पति को सनातन धर्म को अपनाने के लिए तैयार किया है। ऐसा है कि मैंने मुस्लिम धर्म में शादी कर ली थी जी। वहाँ पे मीट मच्छी खाते थे जी, वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने अपने पति से सलाह करके ये बोला कि हम हिंदू धर्म में जाएंगे जी, और मैं यहाँ पे आई, मैंने असल में आके बात करी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? उत्तराखंड जी। तो आज आपने हिंदू धर्म अपनाया, कैसा आपको लग रहा है? पहले क्या दिक्कत आती थी? पहले मीट मच्छी की दिक्कत आती थी, अच्छा नहीं लगता था, बस यही दिक्कत थी। तो अब आपने हिंदू धर्म अपनाया है, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे हिंदू धर्म के बारे में? हिंदू धर्म बहुत अच्छा है जी। मेरा नाम शाहनवाज था जी, और अब मैंने राहुल रख लिया अपना नाम, ठीक। उसके बाद मैंने शादी की थी जी 3 साल पहले मुस्लिम धर्म से। मैं मुसलमान गुजर हूँ, तो मेरी वाइफ भी गुजर थी, वो हिंदू गुजर थी। तो हमने शादी करी थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा मुस्लिम धर्म, तो मैं इस नाम हिंदू धर्म में आया हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कभी जाता था मंदिर वगैरह में, पूजा वूजा भी कर पाता था जी। हाँ, जय श्री राम।